हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं होंडा के शोरूम जो कि दुर्गापुर में है। और यहाँ पे आने का मेरा एक कारण था कि यहाँ पे जो होंडा की एक्स ब्लेड न्यू कलर में लॉन्च हुई है, ये बाइक आपको इस शोरूम में देखने को मिल जा रही है। और सबसे पहले इस शोरूम में ही देखने को मिली है। मैंने काफ़ी शोरूम में देखा तो वहाँ पर ये बाइक अभी नहीं आई है। तो और भी जब मैंने इनसे बात किया तो यहाँ से पता चला कि ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और इनका बाइक का प्राइस भी सबसे कम रहता है औरों के कंपेरिजन में। तो चलिए देखते हैं न्यू एक्स ब्लेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके की से। तो आप की पर देख सकते हैं होंडा का आपको लोगो देखने को मिल जाता है। दोनों साइड में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है की में, और की कुछ इस प्रकार देखने में लगता है। दो की आपको इस बाइक में मिलते हैं। फ्रंट से स्टार्ट करें तो फ्रंट का जो वाइजर है वहां पे आपको होंडा का स्टिकर देखने को मिलता है। ये 3D में नहीं है, ये स्टिकर में दिया गया है। और यहीं पर आपको हेडलाइट के ऊपर में आपको नंबर प्लेट का होल्डर भी देखने को मिल जाता है। मैकेनिकली इसमें सारा कुछ जो चीज़ है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें न्यू कलर ऐड किया गया है। न्यू कलर, न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलता है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं LED हेडलाइट आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। और जो इंडिकेटर है, आपको इंडिकेटर में आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलने वाला है। फ्रंट और रियर जो दोनों है, दोनों जो इंडिकेटर है उनमें आपको हेलोजन बल्ब ही देखने को मिलता है। वहीं कुछ और डिटेल्स देखें तो आप मडगार्ड में देख सकते हैं, मडगार्ड में भी ऑरेंज कलर का यूज किया गया है। और हेडलाइट के जो साइड से अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी आपको ऑरेंज कलर इसी पेंट स्कीम देखने को मिलता है। यहाँ पे भी कोई स्टिकर, कोई ग्राफिक्स नहीं ऐड किया गया, सिंपल सा प्लेन रखा गया है। और सोकर जो है, सोकर को ब्लैक कलर से एक कवर यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लैक कलर का कवर से फ्रंट में थोड़ा सा ऊपर में ये देखने को मिल जाता है। फ्रंट मडगार्ड में भी आप देख सकते हैं कोई भी स्टिकर नहीं है, यहाँ पर भी आपको ऑरेंज कलर ही देखने को मिलता है। और यही मडगार्ड के थोड़े बैक साइड में चलें तो बैक साइड में आपको ब्लैक कलर का ही मडगार्ड देखने को मिलता है। ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और पेट्रोल टैंक पे आपको होंडा का 3D लोगो देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो एक्स ब्लेड लिखा गया है उसको आपको स्टिकर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका लुक निकल के सामने आता है। और जो स्टिकर है उसके होंडा के पास में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का स्टिकरिंग का भी यूज किया गया है, जो कि एक पतला सा आपको पेट्रोल टैंक पर देखने में लगता है। तो काफ़ी खूबसूरत सा है इसका एक डिज़ाइन, एक लुक निकल के सामने आ रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा बैक से आपको दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से लगता है। पेट्रोल टैंक के बीच में आपको ब्लैक कलर का ही एक ग्लोसी ब्लैक कलर का आपको एक लाइन देखने को मिल जाता है, जो कि एक डिज़ाइन के लुक में आप समझ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इस बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जो कि पहले आपको मिलता था। साइड बॉक्स पर 160 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और साइड बॉक्स पर ही आपको यहाँ पर होंडा का HET BS6 का स्टिकर देखने को मिल जाता है। साइड से कुछ इसका लुक इस तरह से निकल के आता है। और जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स ब्लेड लिखा हुआ और होंडा का जो लोगो है, ये दोनों साइड में दिया गया। पेट्रोल टैंक के दोनों साइड में आपको सेम स्टिकरिंग और ग्राफिक्स देखने को मिलता है। इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक फोर्स सस्पेंशन देखने को मिलता है, साथ ही इसमें आपको फ्रंट में सिंगल चैनल ABS और डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ABS का स्टिकर भी देखने को मिल जाता है। और यहीं पर आपको फ्रंट में आप देखें तो रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर आप व्हील देखें तो व्हील में भी आपको ऑरेंज कलर का स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा, ऑरेंज और व्हाइट कलर का स्ट्रिप दिया गया। फ्रंट में आपको MRF का टायर देखने को मिल जाता है। और जो टायर साइज है वो 80/100/17 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। और वहीं व्हील देखें तो व्हील पे आपको ऑरेंज कलर का, ऑरेंज और व्हाइट कलर का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और थोड़ा इस बाइक के अंदर की तरफ देखें तो आपको कुछ अंदर का व्यू इस तरह देखने में नजर आता है, जो कि फाइबर में ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। वहीं इंजन गार्ड की तरफ चले तो आपको यहाँ पे इंजन गार्ड फाइबर में ही देखने को मिलता है, जो कि एक इसको थोड़ा सा लुक को और उभारता है। वहीं आपको इसमें लेग गार्ड भी देखने को मिल रहा है। और जो इंजन है बिल्कुल पहले की तरह सेम है, साथ ही इस बाइक में आपको किक भी देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को मैं अब बैक साइड से दिखाता हूँ कि बैक साइड से ये बाइक देखने में कैसी लगती है। तो बैक साइड में आपको यहाँ पे देख सकते हैं LED टेल लैंप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया गया है और होंडा का साइन देखने को मिल जाता है। एक नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे भी आपको जगह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको येलो कलर का हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। वहीं टायर साइजेस की बात करें तो बैक में भी आपको MRF के टायर देखने को मिलता है। और वही स्टिकर आपको सेम देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट में देखने को मिलता था। रियर में आपको 130/70/17 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। वहीं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट में आपको डिस्क के साथ ABS देखने को मिलता है। ये सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आपको ऑफर की जाती है। और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं ड्रम ब्रेक है। और अगर सस्पेंशन देखें तो रेड कलर में आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन यूज किया गया है। इस सस्पेंशन को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद इस बाइक का ओवरऑल लुक भी आप लोगों को थोड़ा बैक से
दिखाने वाला हूँ कि ये बाइक प्रॉपर देखने में कैसी लगती है। रियर साइड में अगर आप देखें तो ग्रे ब्लेल भी आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है, और जो सीट का होल है वहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है। टेल लाइट के ऊपर भी आपको ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दोनों ग्रे ब्लेल आपको ऑरेंज कलर में ही देखने को मिलता है। सीट का होल बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पर आपको ब्लैक कलर और कोई ब्लैक कलर ही है, कोई भी स्टिकर या ऑरेंज कलर वहाँ पर नहीं दिया गया है। मडगार्ड आप देख सकते हैं, मडगार्ड में भी काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी चौड़े में देखने को मिल जाता है। और ये साई होंडा दुर्गापुर का है तो यहाँ पे उनका स्टिकर भी देखने को मिल जाता है। इस शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको इस बाइक से कोई भी बाइक होंडा का खरीदना होगा तो आप अगर मेरे चैनल का नाम मेंशन करते हैं तो आपको कुछ परसेंट तक डिस्काउंट भी दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिलियन का फुट पैक्स हो गया, जो कि इस तरह से दिया गया है, बिल्कुल ये ओल्ड वाले मॉडल की तरफ से है। यहाँ पे साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको चेन के पास एक चेन के सेफ्टी के लिए चेन कवर भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर दूसरे साइड हम चले तो साइलेंसर आप देख सकते हैं, साइलेंसर बिल्कुल पहले की तरह सेम रखा गया है। यहाँ पे क्रोम का थोड़ा सा फिनिशिंग दिया गया है जिससे ये थोड़ा सा और एट्रैक्टिव लगता है। इस साइड का फुक्स पैक देख सकते हैं, और यहाँ जो इंजन है बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, और गियर पोजिशन जो है बिल्कुल पहले की तरह ही सेम ब्लैक कलर में ही दिया गया है। तो ये कुछ आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप बाइक देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज कलर और कुछ ग्राफिक्स ही ऐड किए गए, बाकी ये ओल्ड मॉडल की तरह ही सेम है। वहीं आपको थोड़ा सा मैं हैंडल की तरफ लेके चलता हूँ, तो हैंडल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होंडा का लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। वहीं आपको इसमें क्या कुछ स्विच देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में अगर आप देखें लेफ्ट साइड हैंडल में तो आपको पास स्विच, हेडलाइट का हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है। राइट साइड में अगर आप चलते हैं तो हैंडल में आपको इंजन क्यूल स्विच और हैजार्ड लाइट और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इस हैंडल बार में भी आपको होंडा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ आपको दोनों हैंडल बार में देखने को ये कुछ मिलते हैं। तो दोस्तों अब थोड़े बैक साइड से मैं आप लोगों को इसका ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ कि एक्स ब्लेड जो न्यू ऑरेंज कलर में आई है उसको देखने में कैसा लगता है। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा इसका लुक अभी उभर कर सामने निकल के आ रहा है। वहीं इस बाइक के प्राइसिंग की बात करें तो इसमें आपको सिंगल डिस्क का जो प्राइस है वो 1,09,287 रुपये एक्स शोरूम दुर्गापुर का है, और वहीं इसका जो डुअल डिस्क के साथ आता है ये बाइक उसका एक्स शोरूम प्राइस दुर्गापुर का आपको पड़ेगा 1,13,677 रुपये। तो ये दोनों वेरियंट में आपको ये बाइक ऑफर की जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल का नाम मेंशन करेंगे आपको होंडा के शोरूम से कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आप होंडा की एक्स ब्लेड इस कलर को लेना चाहते हैं तो ये कलर सिर्फ आपको होंडा की दुर्गापुर साई होंडा के शोरूम में ही देखने को मिलेगा। किसी और डीलरशिप किसी और शोरूम में ये बाइक ये कलर के साथ ऑफर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो अगर जिनको भी आपको इस कलर के साथ होंडा एक्स ब्लेड चाहिए तो आप लोग दुर्गापुर के होंडा साई शोरूम में विजिट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाइक रिलेटेड न्यूज़ के लिए सबसे पहले आप जानने के लिए अपडेट रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।